तो इंग्लिश की दूसरी क्लास को शुरू करने से पहले पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने ये कहा था कि किसी भी इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले उसके जो पार्ट्स हैं जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इस तरह से 8 होते हैं टोटल। और पर्टिकुलर एक एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते हम 8 चीज़ों को कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम उस बेस को क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये जब 8 चीज़ें पढ़ लोगे अलग अलग तो उसको आसानी होगी कलेक्ट करके पढ़ना और इंग्लिश को सीखना और समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा था, फिर हम लोग नाउन पे चले थे और मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है जो 8 कैटेगरीज हैं, 8 टाइप्स हैं, उसमें पहला टाइप है नाउन का। और नाउन जो है उसकी परिभाषा हमने देखी थी कि हम पहले क्या पढ़ते थे नाउन की परिभाषा, कि अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और फिर हमने 10 सेंटेंसेज किए थे और उस सेंटेंसेज में हमने नाउन को ट्रेस करने का काम किया। तो हमने ये देखा कि जो नाउन की डेफिनेशन है वो इनसफिशियंट है और वो ट्रेस करने में इतनी खास मददगार नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर उस नाउन को, नाउन की जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा सा वास्ट किया और हमने नाउन की परिभाषा, नाउन की डेफिनेशन बनाई। हमने नाउन को कैटेगरी में बांटा और पहली कैटेगरी रखी हमने विजिबल की, दूसरी कैटेगरी हमने बनाई थी फेल्ट ओनली, तीसरी कैटेगरीज हमने बनाई थी नाउन इक्विवेलेंट और चौथी कैटेगरी जो बनाई थी हमने लास्ट और वो बनाई थी यूनिट। क्यों बनाई थी? ताकि हम नाउन को ट्रेस कर सकें। नाउन को ट्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जाम जो है वो एग्जाम में यदि नाउन के, नाउन से रिलेटेड एरर आ जाए तो फिर नाउन को यदि ट्रेस करना ही नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि नाउन में एरर क्या है। बात समझ आ गई? यदि नाउन का तुम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो कि नाउन है कहाँ पे, तो उससे रिलेटेड एरर कैसे पता करोगे? तो ध्यान रखना, मैं जो क्लास में सिखाऊंगा उसमें कोई रूल्स नहीं होगा, केवल एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक समझ होगी और उसके आधार पर आप रूल्स बहुत सारे बना सकते हैं और एक्सेप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि एक्सेप्शन बनते ही तब है, एक्सेप्शन तभी बनते हैं जब आप रूल्स बनाते हो। जब रूल्स ही नहीं बनाओगे तो एक्सेप्शन कहाँ से बनेंगे? तो एक्सेप्शंस रूल्स से ही पैदा होते हैं और हम उसको इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे और हम अंडरस्टैंडिंग पे जोड़ देंगे। तो विजिबल जो है, विजिबल हमने कहा था पर्सन, सॉरी, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है और कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद फेल्ट ओनली में क्या करते हैं? फेल्ट ओनली में हमने कहा कि इसको शॉर्टकट तरीके से याद करना है FAQS, F4 फीलिंग, फीलिंग्स जो है हमारी, ठीक है, हैप्पी है, आज मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ। A4 एक्शन, एक्शन जैसे कोई क्रिया, जैसे कह दूं मैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग एक एक्शन है जो कि नाउन का काम कर रहा है। इसी तरह से Q4 क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताना, किसी व्यक्ति की विशेषता बताना, जैसे कोई आदमी अच्छा है, कोई आदमी बुरा है। और S4 स्टेट, मेंटल स्टेट, अवस्था, ठीक है। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज हमने सब कैटेगरीज में बांट दिया इसको। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन के इक्वल होते हैं, ठीक, नाउन के इक्वल होते हैं, वे वर्ड्स जो नाउन के इक्वल होते हैं। इसके बाद यूनिट, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, मात्रक मतलब इस चीज को मेजरमेंट करने की इकाई, जैसे किलोमीटर है ना, मीटर, डे, आवर, इस तरह की चीजें हैं, तो वो यूनिट होगी। तो हमने इस तरह से कैटेगरीज में बांटा और फिर हमने उस 10 सेंटेंसेस को वापस से उसमें नाउन को ट्रेस किया तो हमें काफी इजी हुआ था, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो आ जाओ बच्चों अगली स्लाइड में। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाउन की कैटेगरीज, कि नाउन कितने कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, विद कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, ऑब्वियसली सिंपल तो आएंगे नहीं, कन्फ्यूजिंग जो आपको कन्फ्यूज करें, तो उस एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ पढ़ेंगे वो है आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखना ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम बताई जाती है और रूल्स रटाए जाते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये चीज़ें कहाँ काम आएंगी, हमें एग्जामिनेशन में आएंगी, कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जामिनेशन में काम आएंगी। उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि ये कैसे बने और इसको कैसे पहचाने, क्यों पहचाने, क्योंकि फिर इससे रिलेटेड जो एरर आते हैं उसको हम दूर करेंगे। तीसरा जो चीज़ है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तीसरी जो चीज़ है वो क्या पढ़ेंगे हम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन।
और अगेन विद कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स बहुत एग्जांपल्स कंफ्यूज करते हैं हमें बच्चों से, जैसे कह देंगे कि हेयर जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो इस तरह की चीज़ें इसी तरीके से स्टार ये कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अब जो सेंटेंस है उसके पीछे एस लगा देगा, इसके पीछे एस लगा देगा। अब यदि आपको पता नहीं है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है तो आप इसको राइट करके आ जाएंगे जबकि है रॉन्ग है, बात समझ आ गई कि नहीं। तो ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड एरर्स हैं वो तभी पता चलेंगे आपको कि जब तक आपको पता चलेगा कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है और इसको कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं जानकारी के लिए और कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ हम जो लास्ट टॉपिक है आज का वो पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनके बेस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, तो हम ये चार टॉपिक्स आज क्लियर करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप चार चीज़ें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली। तो बच्चों आ जाओ अगली स्लाइड में। जो कैटेगरीज ऑफ नाउन है वो कैटेगरीज होती है पाँच। एक बार चार कैटेगरीज पढ़ेंगे उसके बाद जो बच गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पहली जो कैटेगरीज है वो है प्रॉपर नाउन, ठीक है, दूसरी जो है वो कॉमन नाउन, तीसरी जो है कलेक्टिव नाउन और चौथी जो है मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी का पर्टिकुलर नेम, जैसे मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, आपका नाम कुछ और हो सकता है, किसी का पर्टिकुलर नेम, जैसे राम है, अब ये सिटी का नाम दिल्ली। इसी तरीके से किसी किताब का नाम, स्पेसिफिक बुक का नेम, बुक नेम वो क्या है, आपका प्रॉपर नेम है। इसी तरीके से ताजमहल, ये भी क्या है, आपका स्पेसिफिक मोन्यूमेंट है। ठीक है, किसी भी स्पेशल चीज़, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन का नेम जो है, पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसमें खास बात ये होती है कि जो इसका इनिशियल लेटर होता है, जो इसका पहला लेटर होता है वो क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है, जैसे कि आर कैपिटल है, डी कैपिटल है, बी कैपिटल है, ई कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तीसरा, जो प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन है, इनके साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। आर्टिकल्स कौन कौन से, ए एंड द, है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी ये बस इतना तो पता ही होगा कि आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, इनका इस्तेमाल प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन के साथ नहीं होता। ठीक है, जीरो आर्टिकल यूज क्या होता है इनके साथ, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। कोई ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि एक राम है, ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि एक बाइबल है, है ना। तो किसी भी यदि नाम है कोई पर्सन का या प्लेस का या थिंग का, तो वो हमेशा यूनिक ही होता है, उसको हम एक नहीं कह सकते। ऐसा थोड़ी ना कह देंगे कि एक दिल्ली, दो दिल्ली, ऐसा थोड़ी ना, दिल्ली तो एक ही है। इसलिए ये इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि ए एंड द होता क्या है, अकाउंट करने की चीज़ है। अ दिल्ली मतलब एक दिल्ली, अब ये लगेगा नहीं क्योंकि दिल्ली तो अकेली है, इकलौती है, तो ए लगाओगे तो इसका मतलब दिल्ली की जैसी एक और दिल्ली है, यानी दुनिया में पांच सात दिल्लियां हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं, इसलिए आप ए एन द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो, दूसरा जो है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल सेंस में काम आता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो ये जनरल सेंस है, ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, अब ये कॉमन बात नहीं रही, ये पर्टिकुलर नेम हो गया मेरा। तो टीचर तो कोई भी हो सकता है, कॉमन है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर नेम जो है वो फिर क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, ये मार्कर क्या है, मार्कर है कॉमन नाउन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दुनिया में मार्कर्स हो सकते हैं। लेकिन मैं कहूं कि ये कैमलिन का मार्कर, तो कैमलिन का मार्कर जो है वो पर्टिकुलर नेम हो गया, मार्कर का पर्टिकुलर नेम हो गया, इसलिए किसमें आ गया, प्रॉपर नाउन में आ गया। यानी किसी भी चीज का प्रॉपर नेम कर दोगे तो वो किसमें बदल जाएगा, प्रॉपर नेम में। और बाकी यदि उसको सिंप्लीफाई करोगे, जनरल सेंस में बात करोगे, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, राम श्याम कुछ भी, दुनिया भर के स्टूडेंट्स। सिटीज, दुनिया में कितनी सिटीज है, ठीक है ना। इसी तरह से बुक बहुत सारी हैं। इसी तरह से मोन्यूमेंट, जिसको हम मकबरे कहते हैं या फिर पुरानी इमारतें, मोन्यूमेंट्स, तो मोन्यूमेंट्स कितने हैं दुनिया में, ताजमहल है, बहुत सारे हैं, लाल किला है। तो यदि हम जनरल सेंस में बात करेंगे किसी चीज़ की, तो वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर किसी का नेम लेंगे, जैसे राम, तो अब ये स्टूडेंट नहीं रहा, ये रहा पर्टिकुलर नेम हो गया, इसलिए ये किस में आ गया, प्रॉपर नेम में आ गया। इसी तरह सिटी तो चलो कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन दिल्ली एक फिक्स सिटी हो गई, एक पर्टिकुलर सिटी हो गई, इसलिए किस में आ गई, प्रॉपर नाउन में। बुक कोई भी बुक हो सकती है दुनिया भर की, लेकिन बाइबल, जो बाइबल है वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से मोन्यूमेंट,
कॉमन है, कोई भी मोन्यूमेंट हो सकता है, लेकिन ताजमहल यानी अफिक्स हो गया, एक नाम हो गया पर्सनल, ठीक है। किसी कंपनी का प्रोडक्ट, जैसे ये मैंने कहा मार्कर, तो मार्कर जो है कि दुनिया भर के मार्कर हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कैमलिन का मार्कर, तो कैमलिन का मार्कर क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। इसी तरीके से आ जाओ तीसरे। अच्छा, इसमें जो देखो ध्यान से, कॉमन नाउन में जो है जनरल नेम होता है, ये तो बात है हो गई। दूसरा, इनिशियल लेटर जो होता है वो लोअर केस होता है, यानी कि जो शुरुआती जो केस होता है वो लोअर होता है, ये बड़ा लिख दिया मैंने, क्या होता है, लोअर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई? प्रॉपर नाउन में पहला जो लेटर होता है वो तो कैपिटल होता है, और जो कॉमन होता है उसमें पहला लेटर, जो शुरुआती लेटर होता है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये पहचानने का तरीका भी है कि प्रॉपर नाउन यदि है तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये इस तरह से भी पहचान सकते हैं, सेंटेंस में यदि हमें पता नहीं चल पा रहा तो हम कैपिटल लेटर्स को देख के भी हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर, यानी कि समान चीजों का एक समूह, यानी कि एक जैसी बहुत सारी चीजें हैं तो उनका जो कलेक्टिव जो नेम होता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, अ ग्रुप ऑफ ए प्लेयर्स, ठीक है, वो टीम हो गई। ज्यूरी, अ ग्रुप ऑफ ए जजेस, जजेस की जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, ज्यूरी। गैंग, अ ग्रुप ऑफ ए क्रिमिनल्स, गैंग। बीवी जो है वो अ ग्रुप ऑफ ए यंग गर्ल्स होता है, यानी कि जो जवान लड़कियां होती हैं, युवा लड़कियां, उनका ग्रुप को क्या कहते हैं, हम बीवी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ए ऑफिसर्स भी होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, इसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बीवी, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स और अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, दो मीनिंग है। इसको डिक्शनरी में टाइप कर लेना और सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, चौथा जो है वो है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ सब्सटेंस मैटर, यानी जिस चीज से मिलकर कोई चीज बनी है। जैसे ये घर है, तो घर किससे बना है, रेत, बजरी, तो इस तरह की जो सब्सटेंस है जिससे कि कोई चीज़ बनती है तो वो क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर किससे बना हुआ है, मार्कर बना हुआ है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ मिल के बनी हो। जैसे आयरन है, तो आयरन क्या है, अपने आप में मटेरियल नाउन है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। कॉपर है, तांबा, जिसको हम क्या बोलते हैं, तांबा, तांबे का लोटा, तुमने सुना ही होगा। तो कॉपर जो है वो एक मटेरियल नाउन है तांबे के लोटे के लिए। इस तरह सैंड, सैंड का मतलब है धूल, या फिर जिसको रेत बोलते हैं, रेत की कण, तो सैंड है, उससे मिलके बहुत सारी चीज़ें मिलके बनती हैं। मिल्क जो है वो दूध है, दूध से आपको क्या बनता है, चाय बनता है ना, कॉफ़ी बनती है। तो यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे कोई चीज़ मिलके बने, तो वो भी वो किस कैटेगरीज में आएंगी, मटेरियल नाउन में। इसी तरह वाटर है, तो वाटर जो है, वाटर किस में आता है, वाटर भी मटेरियल नाउन में आता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, शिकंजी बना लो आप, है ना, और कुछ भी बना सकते हो आप, चाय में भी डलती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमने चार कैटेगरीज पढ़ ली, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ, इसको वापस से समराइज कर देता हूँ। तो पहला हमने जो कैटेगरीज पढ़ी वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम। और इसका जस्ट अपोजिट साइड क्या निकलता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जनरल नेम। जैसे स्टूडेंट जो है वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है दुनिया का, लेकिन यदि मैं कहूँ राम, तो राम का मतलब है कि वो नाम क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो स्टूडेंट तो हो गया कॉमन, और राम हो गया प्रॉपर। इस तरह सिटी जो है वो क्या है, कोई भी सिटी हो सकती है दुनिया भर में, पता नहीं कितनी सिटीज हैं, है ना। तो वो क्या हो गया अपने आप में, वो अपने आप में हो गया कॉमन। और लेकिन मैं कहता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली अपने आप में एक ही है, इकलौती है। इस तरह बुक कोई भी हो सकती है, इसलिए कॉमन। और बाइबिल जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह मॉन्यूमेंट, दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना। लेकिन यदि ताजमहल की बात कर दूँ, रेड फोर्ट की बात कर दूँ, लाल किले की बात कर दूँ, तो वो वन पीस है, है ना। फिर हमने ये देखा कि जो प्रॉपर नाउन का जो पहचानने का तरीका वो क्या है, इनिशियल लेटर जो होता है, जो वो उसका कैपिटल होता है, ठीक है। और जबकि कॉमन नाउन में इनिशियल लेटर लोअर केस होता है, देख लो आप। इसी तरीके से जो तीसरी जो बात थी, ये थी कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जीरो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि सब यूनिक है, इसलिए ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होता। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि आराम, अदिल्ली, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। अबाइबल, बिल्कुल नहीं, ये अपने आप में यूनिक है, इसलिए इसको गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है। आगे बात करेंगे इसके बारे में।
कॉमन नाउन में जो होता है आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए एन दी का इस्तेमाल, एन द का इस्तेमाल इसमें होता है, कॉमन नाउन में इस्तेमाल होता है, जैसे अ स्टूडेंट, अ सिटी, अ बुक, अ मोन्यूमेंट, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर होता है, यानी कि एक समान चीज़ों का एक ग्रुप जो है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे टीम है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जूरी, अ ग्रुप ऑफ जजेस, गैंग जो है अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, एंड बीवी जो है अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, या दूसरा मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। इसी तरह मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन जो है नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मैटर, यानी कि कोई चीज़ जिस चीज़ से मिलकर बनी है वो क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। मटेरियल नाउन में कौन कौन सी आती चीज़ें आती हैं, आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। एक हमारी कैटेगरीज रह गई और उस कैटेगरीज का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो बात करते हैं, इसको नोट कर लो पहले। जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं, पढ़ाई हैं, उन्हीं के बेस पर एरर्स पूछे जाते हैं, इन्हीं से एरर्स निकलते हैं। कोई एरर्स, कोई ऊपर से कोई आई हुई चीज़ आसमान से नहीं है, इन्हीं में से कोई चीज़ पैदा हो जाती है। जैसे कि आपको यदि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल दे दे तो वो गलत है, वहाँ पर एरर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम पहचानते हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। अब इस बुक में क्या कहते हैं, बुक में ये कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन द का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कारण। इसका कारण ये है क्योंकि वो चीज़ें यूनिक है, इसलिए आप गिन नहीं सकते। ए एन द का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ होती है कोई चीज़। तो जब कोई चीज़ इकलौती खुद अपने आप में है तो फिर ए एन द का इस्तेमाल सुपरफ्लस हुआ ना भाई, सुपरफ्लस हुआ, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से हम बचते हैं और ये चीज़ें इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हर चीज़ों का रीजन होता है, रटने से काम नहीं चलेगा, रूल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, हम समझ के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई थी, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया है, और पहला पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट जो है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, दो तीन दिनों में। तो इस पार्ट को बार बार देखें, रिवाइज करें, क्योंकि अगले पार्ट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट कर सकें उतना करें। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, स्वीट ड्रीम्स।